हे दोस्तों, ये देखिए ये क्या चीज क्या है भाई? ये पहचानते हैं? नहीं, ये कच्ची है। कच्ची? कच्ची नहीं, पक्की है। पक्की कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसको मुझे नहीं पता। इंग्लिश में भी नहीं पता, गूगल में मैंने बहुत सर्च किया, पर हिंदी में अंडा और इंग्लिश में एक कहते हैं भाई। बारे में कच्ची सर्च करता हूँ तो कैची आ जाता है, यानी कि सीजर, जो सीजर है तो सीजर आ जाता है। ऐसा है का? फिर मैंने ट्राई करना छोड़, तो फ्राई करना शुरू कर दो भाई। बात यही, घुमा फिरा कर मैं आज आया हूँ धान काटने के लिए। तो देखिए मेरे हाथ में कच्ची है, तो आसान से है, तो धान काटना ही पड़ेगा। बिजनेसमैन तो नहीं? हाँ भाई, बिजनेसमैन तो नहीं हो, लेकिन बिजनेस एनिमल तो हो। का हुआ भाई? धान काटने से पहले आसानी जो हूँ ये पहचानते हैं, ये है गमछा। आसामीस में गामूसा कहते हैं, और हमें गामूसा बोली कॉय ये लगाना। अरे ठीक है भाई, अच्छी तरह से लगा लो। अब लग रहा हूँ आसामीस और एक ठीक ठाक किसान भी। तो अब ले लिया कच्ची। देखिए मेरे साथ और एक साथी धान काट रहा है। अच्छा हुआ तो साथी है, अगर हाथी होता तो पूरा धान ही खा लेता। देखिए कितना मेहनत लगता है। मेहनत? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है धान खेत करने। ससुर की घर जा रहे हो क्या? मेहनत तो लगेगा ही। इस करने जैसा ये आसान नहीं है इतना। दिखता है लेकिन टिकता नहीं कोई। दो धान के पैर को आपस में जोड़ना पड़ता। अच्छा, तुम कब जोड़ोगे आपस में? कोई टेंशन नहीं, अब यहाँ पर ही रखेंगे। यहाँ पर नहीं तो साथी की पीठ पर रखोगे का? आपको एक धान दिखा दे। ये देखिए धान कुछ इस तरह का होता है। ऐसा ही होगा, आलू जैसा नहीं। फिर यहाँ से चावल बनाया जाता है, और चावल फिर हम बनाकर खाते हैं। तो देखिए एक खेत करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। पूरा खेत में पानी दिया जाता है, और पानी मिक्स किया जाता है खेत में, जो धान से निकला हुआ पौधा है उस पौधा को लगाया जाता है। उसके बाद 4-5 महीने के बाद धान होता है, फिर काटा जाता है। बहुत मेहनत लगता है, इतना आसानी से खाना नहीं मिलता भाई। बहुत बहुत मेहनत करने के बाद खाना मिलता है, फिर हम लोग खा पाते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं भाई, हम भी खाते हैं। धान खेत नहीं करेगा तो हम बिजनेसमैन लोग, हम तो बिजनेसमैन नहीं है नहीं। पर आप जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या खाएंगे? खाएंगे ना भाई, पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर लेंगे। हाँ। ही जाएंगे। तो ये भी जरूरी है, सिर्फ जरूरी ही नहीं, बहुत बहुत जरूरी। हाँ भाई, तुमने जो कहा सच कहा, अगर किसान खेत ना करे ना तो हम लोग मर जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं धान खेत काट काट के यहाँ पर आसाम का मैप बना दिया है हम लोग। वाओ भाई, तो हम लोग आसाम से इसलिए मैप बना दिया। वह यहाँ पर अच्छी तरह से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आई हैव नॉट ए ड्रोन कैमरा, मेरे पास कोई ड्रोन नहीं है। इसलिए अगर ड्रोन होता तो मैं ऊपर से दिखाता तो आप लोग प्रॉपरली देख पाते। देखिए मैं कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए, पर दिखेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोगों को दिख रहा है तो थोड़ा नहीं भाई, पूरा दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए एक गिरगिट गिरगिट गिरगिट, ऐसे बोल रहे हो जैसे टाइगर दिखा रहे हो। वो देखा? अब देखिए हमारे भाई फुल स्पीड में धान कटने वाला मशीन की तरह धान कटेगा। देखिए स्टार्ट होता है अब। वाओ भाई जादू। लास्ट में एक ही है। अरे भाई लास्ट में एक ही होता है, दो नहीं। देखिए लास्ट में एक ही खत्म। वाह भाई, तुमने आज बहुत मेहनत किया, घर जाके सो जाओ। और यहाँ देखिए जेल से भागा हुआ गिरगिट। और यहाँ पर देखिए ये मैना, ये जेल से भागा हुआ नहीं है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सनसेट, और ये हमारे गांव का सनसेट है। और इस सनसेट का लुफ्त उठाइए। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज।